आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल पिवट टेबल, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पिवट टेबल को यूज करते हैं। तो चलिए हम एक डेटा खोलते हैं, पहले डेटा की फाइल, डेटा फाइल खोलते हैं, फिर उस पर हम आपको डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल होता है क्या, चीज को समझिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो हम पिवट लगाते हैं, जो डेटा है उसी डेटा के उसी फाइल पे डिफरेंट शीट पे हम पिवट टेबल लगा लेते हैं। हम एक्सटर्नल पिवट टेबल के मार के मतलब ये हुआ कि हम पिवट कहीं और लगाए, डेटा हमारा कहीं और हो, या फिर हम सेम डेटा पे पिवट लगाते हैं, उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास आपके सामने एक जो डेटा है, दिख रहा है डेटा है, अब इस डेटा के ऊपर मुझे पिवट लगाना है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पिवट आप लगाते हैं, कल के रेट में आपका डेटा इंक्रीज होता है, तो पिवट टेबल में जाके आपको मैनुअली इंक्रीज करना। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा पिवट टेबल लगाता हूं, अब मुझे इसमें हमने मान लीजिए डिपार्टमेंट और सैलरी का टोटल कर दिया। अब मेरा डेटा अगर चेंज हुआ, मतलब कि इसके बीच में किसी तरह की हमने अपडेशन की, तो मैं इस पे जस्ट रिफ्रेश करूंगा और मुझे मेरा रिपोर्ट रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि डेटा में हमने नई डेटा एंट्री की है, तो पिवट टेबल में जो सेटिंग है वो सेटिंग यहाँ 100 तक करेंट सेटिंग है, राइट सर? तो हमें यहाँ पिवट टेबल में जाना पड़ता है, एनालाइज में जाके चेंज सोर्स में जाके उसको रीसेलेक्ट करके वापस में पिवट को सिलेक्ट करना पड़ता है, डेटा बड़ा हुआ डेटा को भी। तो मैं इस चीज से मुक्ति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जैसे ही अपने आप को अपडेट करे, मेरा पिवट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, बार बार मैं रीसेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक रिपोर्ट बनी हुई है पिवट डेटा पे, पिवट टेबल पे रिपोर्ट आपने बना रखी है, और उसमें डेटा डेली बेसिस पे के नीचे पेस्ट होता है, ठीक है? और मैं डेली बेसिस पे एक के नीचे पेस्ट नहीं करना चाहता, उस केस में क्या करेंगे? तो यहां पे हम इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और यहां चूज करते हैं यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। क्या चूज करेंगे? Use external data source, यहां इसको हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आपका एक्सटर्नल डेटा का मतलब ये ना हो कि जो डेटाबेस आपने लगाया हुआ है या उसके अलग पे, आप सेम सीट पे भी एक्सटर्नल लगा सकते हैं, बस मुझे उस फाइल को यहां ब्राउज फॉर मोड पे जाना पड़ेगा और उस फाइल को सेलेक्ट करना। और यहां पे आते हैं, अपने फाइल जहां पे सेव है उस लोकेशन पे जाते हैं, उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ पे सीट आया, क्योंकि पिवट टेबल एक बार में किसी एक सीट से ही लगता है, तो मुझे यहाँ पे उस सीट का नाम देना पड़ेगा कि किस सीट से लगेगा। ठीक है सर, तो डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। अब यहां पे देखिए, अब मैंने यहां पे डिपार्टमेंट्स एंड यहां पे मैं सैलरी का टोटल दे दिया। अब मैं या तो मैं टी आर जी
ठीक है। अब मैं यहां पे एक बार जैसे रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे टीआरजी आ जाएगा। तो रिफ्रेश तो करना पड़ेगा, आप चाहते रिफ्रेश मुझे ऑटोमेटिक ना करना पड़े। तो यहां पे हम यहां डेटा पे आएंगे, कनेक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज, आप यहां पे इसे रिफ्रेश विद द ओपनिंग, और यहां भी कुछ समय में चाहिए तो रिफ्रेश एवरी मिनट दे दीजिए, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता जाएगा। लेकिन रिफ्रेश मिनट देंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपकी फाइल हैंग होने के चांसेस रहेंगे। तो एक तो बेनिफिट ये हुआ कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। दूसरा कि जैसे अगर आपका कॉलम कोई ब्लैंक है, जैसे ब्लैंक कॉलम है, तो नॉर्मल पिवट पिवट नहीं लगाता है, बट एक्सटर्नल पिवट टेबल आपका पिवट लगा लेगा। तो दीपक जी समझ में आया? दीपक जी दीपक जी जी सर, जी समझ में आ गया एक्सटर्नल पिवट टेबल का पहला पार्ट। सर, जी सर, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं आपका बार बार डेटा अपडेट होता है, तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन मान जी सर, लीजिए कि आपके पास एक बड़ी फाइल है, डम फाइल, जो कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक डम फाइल है, और वो डम फाइल आपके किसी एक पर्टिकुलर पीसी के किसी एक लोकेशन पे फाइल का, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो आपका कुछ समय लग जाता है। ठीक है सर। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी उस फाइल पे, अगर मान लीजिए उस फाइल पे अगर हम पिवट टेबल लगाते हैं, तो उस फाइल पे दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि जब भी उस फाइल को आप ओपन करेंगे, उस पे काम करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत होगा सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करें कि हमें हमारा हमारा इतना इतना हमें जो ये करना पड़ रहा है, मतलब कि क्या बोलते उसको, हाँ, इतना जो मुझे बार बार ओपन करके जो टाइम लॉस्ट होता है, मैं टाइम लॉस्ट सोच रहा था, हाँ, टाइम लॉस्ट जो होता है वो टाइम लॉस्ट ना करना पड़े। हेलो जी, तो बोलिए सर। सर, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि उससे निजात पा जाए, मतलब कि हमें फाइल खोलना पड़ रहा है ना, तो मुझे फाइल खोलने की जरूरत ही ना पड़े। राइट सर, फाइल खोलने की मुझे जरूरत ही ना पड़े। तो उस केस में हमारा फाइल पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, और हम जा रहे हैं पिवट टेबल लगाने वर्कबुक, तो मेरा फाइल किसी और लोकेशन में पड़ा हुआ डेस्कटॉप पे, माय कंप्यूटर में, तो मैं यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जाऊंगा, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे जो पहले से आप जो कनेक्शन लगाए, जो डेटा पे कनेक्शन लगा रखे हमने, जो पहले से कनेक्शन लगाएंगे वो कनेक्शन यहाँ पे है, इसको रीयूज कर सकते हैं आप। जो पहले से कनेक्शन लगा है उसको आप रीयूज कर लें, या फिर आप न्यू सोर्स पे जाए, न्यू सोर्स पे, गलत बोल गया, ब्राउज फॉर मोर पे जाए, और यहां से आप जो है अपना फाइल को सिलेक्ट कर, उसने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, एंड ओपन, किस शीट में, डेटा शीट में, एंड ओपन।
अब आपका पिवट जब आप रिफ्रेश करेंगे ना सर, तो बस रिफ्रेश में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, सो करेगा, बाकी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर मेरा डेटा, अगर मेरा डेटा एक्सेस में पड़ा हुआ, एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस में डेटा क्यों पड़ा रहेगा, तो क्या होता है कि आपके पास जो कभी भी ऐसा होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं कि आपका बहुत बड़ा डेटा हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, शेयरिंग हो जाता है, तो उस केस में दिक्कत होती है। तो उस केस में हम लोग चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है एक्सेस पे चला जाए, ताकि उसको सही दिन से हो सके, और एक्सेस से एक्सेल पे लेके आते हैं। तो एक्सेस से भी लाने का सिंपल तरीका है, और जैसे आपने एक्सेल फाइल सिलेक्ट किया था, वैसे आप सिंपल जाइए और एक्सेस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और एक्सेस में आप टेबल ही नहीं, टेबल के साथ क्यूरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया एंड तो देखिए डेटा मेरा पड़ा था, डेटा पड़ा है एक्सेस के अंदर में, और मैं यहां पे अब मान लीजिए कि मेरा डेटा अगर एसक्यूएल सर्वर में पड़ा रहा, तो एसक्यूएल सर्वर समझते क्या होता है, लार्ज डेटाबेस को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल सर्वर होता है। तो अगर आपका मेरा डेटा अगर एसक्यूएल सर्वर में पड़ा हो तो कैसे, एसक्यूएल सर्वर में डेटा पड़ा होगा तो एसक्यूएल सर्वर लार्ज डेटाबेस होता है, तो उसमें पड़ा हो तो उसको भी ले सकते हैं। इसलिए आपके पास सर्वर नेम होना चाहिए, लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, दो चीज आपको मिल गई है। सर ये जो एक्सेस का यूज करते हैं वो क्या एक्सेल का लिमिटेशन दूर करने के लिए, एक्सेल का जो लिमिटेशन है वो एक्सेस में नहीं रहता? देखिए एक्सेस, एक्सेस में बताओ कि एक्सेल डेटाबेस नहीं है, समझे? लेकिन आपको डेटा में जैसे फीचर्स चाहिए तो हम लोग एक्सेस यूज करते हैं, जो ऐसे भी शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सेस में वगैरह रिलेशनशिप शेयरिंग वो सब चीज यूज होता है, इसलिए एक्सेस इस्तेमाल। कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेस से कनेक्ट नहीं होते हैं, एक्सेस से कनेक्ट कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग शुरुआत में हम लोग बीबी स्टूडियो यूज करते थे, बीबीसी जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसके लिए तो बैकग्राउंड में डेटाबेस चाहिए ना सर, वो एक्सेल फाइल में तो नहीं करेगा ना। ओके, तो हम लोग एक्सेस यूज करते थे, तो सॉफ्टवेयर में एंट्री करते थे, एक्सेस में जाके एंट्री। ओके ठीक है। या फिर हमने एक चीज और बनाया था कि हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें लॉगिन आईडी था, तो प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम इस पे एक फॉर्म बनाया था हमने, तो फॉर्म में क्या था कि वो 300 लोगों का फॉर्म गया हुआ था, वो डेली बेसिस पे डे एंड पे फॉर्म फिल करते थे, एक सेल टाइम में फाइल को सेव करता था। अब क्या हुआ कि अगर हमने फॉर्म बनाया और जब वो डेटा फिल्टर में डेटा एक्सेल में स्टोर कराते थे, तो होता प्रॉब्लम क्या होता था, एक एक मान लीजिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो फाइल को ओपन किया, डेटा को पेस्ट किया और सबमिट कर दिया, वीवी प्रोग्रामिंग थी, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एक ही साथ अगर दो बंदों ने क्लिक कर दिया तो फाइल तो किसी एक ही जगह पे खुलेगी ना सर, उसको रिकवरी हो जाएगी।
शेयर मोड में कर दिया तो ओवरराइट हो जाएगा। तो उसने एमएस एक्सेस इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी एक सेल का एड्रेस इसलिए नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अब मुझे एमएस एसक्यूएल से चाहिए, तो एमएस एसक्यूएल की किसी एक डेटाबेस से किसी एक टेबल का चाहिए, तो सबसे पहले तो आप यहाँ इंसर्ट कीजिए यहाँ, और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स में चूज कनेक्शन पे जाइए, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ न्यू सोर्स पे आए। न्यू सोर्स पे आने के बाद एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करें, और आपके पास होना चाहिए सर्वर का नेम। सर्वर नेम हमने यहाँ सॉरी सर्वर नेम आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये सर्वर नेम है पूरा पास के साथ, हमने सर्वर नेम किया। अब प्रॉब्लम एक और हो सकती है यहाँ पे, मेरा सर्वर क्या लोकल होस्ट, सर्वर दो प्रकार से होते हैं, लोकल होस्ट क्लाइंट सर्वर। लोकल होस्ट मतलब हुआ कि मेरा जो डेटा है इसी सीट में इसी फाइल में सेव है, इसी सिस्टम में सेव, सॉरी लोकल होस्ट हुआ, लेकिन आप लोगों का तो एक पर्टिकुलर सर्वर पर सेव होता है, तो वहां पे हमें यूज फॉलो यहाँ पे देना पड़ेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेकिन मैं यहाँ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मुझसे पूछ रहे टेबल डेटाबेस, क्यों डेटाबेस है ये तो बाकी देख रहे हैं ना, ये डेटाबेस तो सिस्टम जनरेटेड डेटाबेस है, ठीक है ना, ये जो उसकी जो टाइम वगैरह बाकी जो होती है उसके लिए होती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की जो डेटा फाइल होती है वो होती है, और उसमें कौन सा टेबल है वो टेबल को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपके एक दिखा आपको लग गया है, इसमें पीवन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज की मुझे, मैं हमेशा एक डाउनलोड करता हूँ फाइल, ठीक है, एफटीपी से, एफटीपी समझते हैं ना क्या सर, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट पे एक पाथ। अच्छा, यूजर के नाम से बताया नहीं किसने ज्वाइन किया है, दो मिनट डिसेबल हो जाएगा सर, बताइए ना डिसेबल हो जाएगा, मैंने प्रूव नहीं किया है इसको। तो एफटीपी मतलब हेलो, हाँ सर, कुछ बोला कुछ तो यहाँ पे मेरे पास जैसे कि एक एक लोकेशन से मैं हमेशा फाइल डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पिवट टेबल एग्जांपल सर्च कर लेता हूँ, तो इस ए लोकेशन से मतलब मुझसे हमेशा इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ और फिर इसके ऊपर पिवट टेबल लोकेशन, तो बार बार डाउनलोड फिर पिवट टेबल लगाना पड़ता है, तो मैंने पिवट टेबल पे गया और यहाँ यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे गया, ब्राउज फॉर मोर पे गया, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका स्किल पता है, एक्सेस पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे नोट फाइल होंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो कैसे जाएंगे न्यू सोर्स पे जाएंगे कहां से लगेंगे, तो उसकी पूरी पाथ लीजिए फाइल की और यहाँ पे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेगा कि इसको कहाँ डालना है और डाल देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, ध्यान रखिए। अब मैं यहां सेलेक्ट किया, आ गया सर, ओके आना। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो वापस इसको डाउनलोड करेगा और इसको अपडेट करेगा, तो मुझे बार बार इसको डाउनलोड करना अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है सर, जी सर। डाउट आप लोगों को? नहीं सर। तो ये हमारी एक्सटर्नल पिवट टेबल नहीं सर, और इसका यूज जो है हम काफी करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल अभी तो हमने 2007 के पिवट को खत्म कर दिया है, इसके आगे जो है 2013 और 16 का वो है सर। हेलो हेलो, बोलिए कौन? हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रहे? आ रही आवाज? हाँ सर, मैंने आज लेट जॉइन किया ना। क्या बोल रहे हैं? मैं आज लेट जॉइन किया, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। सर मैंने आज लेट जॉइन किया ना। अच्छा आपने लेट जॉइन किया, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, मैं कन्वर्ट कर, ठीक है ओके।